स्वागत है। जैसे कि आज हम जन्माष्टमी, उसके लिए मैंने व्रत रखा है और हम जो भी जन्माष्टमी पास करने वाले हैं उसमें मैं आपको देखा। हमने सबसे पहले ऑन करिए टीवी, तो हमें सबसे पहले सोचिए क्या करना चाहिए। हम पहले गाने वाने सुनेंगे, फिर अपना मूड बनाऊंगे काम करने का, फिर धीरे धीरे काम करते हैं और फिर जन्माष्टमी की डेकोरेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं दिखाऊंगी लिए सामान डेकोरेशन का, मेरा सारा सामान फटाफट चलते हैं करते हैं डेकोरेशन। और ये मैंने ऑलमोस्ट अपनी डेकोरेशन जो है कंप्लीट कर ली है। मैंने सोचा ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करूँगी, छोटा सा ही करूँगी जिससे मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो मैंने जो है ऑलमोस्ट कर लिया, थोड़ी बहुत रह गई है तो चलो उसको भी कर लेते हैं। फाइनली मेरी डेकोरेशन जो है डन हो चुकी है। मैंने लाइट ऑफ करके और अब ऑन करके देखा है, जो मैंने लाइट लगाई थी स्टार वाली वो भी ऑन हो गई है। तो मुझे तो ये डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये है मेरी फुल डेकोरेशन आज की। और अब किचन में बन रहा है यहाँ पे आज के प्रसाद, जो कि आज भोग में बनेगा। तो इधर मम्मी जो है पंजीरी बना रही है, तो मम्मी को पंजीरी बनाने देते हैं और हम आ जाते हैं इधर फोटो शूट करने के लिए। तो मुझे ये डेकोरेशन बहुत पसंद आई, मेरा मन था कि मैंने आप दो तीन रील भी बना ली है और जो कि मैंने डाल दिए हैं, तो आप लोग प्लीज़ वो रील जाके देख लेना। मम्मी ने जो है प्रसाद रेडी कर दिया था, फिर उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में। मंदिर में मैंने यहाँ के आके पहले सबसे पहले राधा कृष्ण जी के दर्शन किए, मंदिर हमारे घर के पास है। फिर मैं यहाँ पे आई थी यहाँ पे प्रसाद देने, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा वो है कि जो प्रसाद बनता है वो मंदिर में आके पहले देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आके दर्शन किए, ये मूर्ति काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। फिर मैंने यहाँ पे अपना प्रसाद भी दे दिया था। गोपाल जी का स्नान जो हो चुका है वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। अब मम्मी जो है गोपाल जी को यहाँ पे तैयार कर रही हैं, उनकी न्यू न्यू ड्रेस और उनकी न्यू न्यू ज्वेलरी जो है पहनाई जा रही है, क्योंकि मुहूर्त जो है होने वाला था। तो हमें सबसे पहले हम गोपाल जी का स्नान कर देते हैं। तो ये हमने गोपाल जी को रेडी करके उनके झूले में हम छोटे में बिठा देंगे।
अब आ गए हम छत पे। टाइम 12 बज चुका है, अभी चांद नहीं निकला है, तो हम थोड़ी देर उसका चांद निकलने का वेट करते हैं और देखते हैं चांद निकलेगा नहीं। और ये देखो चांद निकल आया और जो है मैंने कैप्चर कर लिया, आप लोग भी देख लो। फिर उसके बाद हम चांद को पूजा करने के बाद फिर हम नीचे आ गए थे, फिर हमने गोपाल जी को झूला झुलाया, फिर उनको हमने हैप्पी बर्थडे विश किया, फिर उसके बाद हमने भोग भी लगाया जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। फिर हमने भोग लगाया, उनको टॉफी बिस्किट जो भी था हमने सब कुछ खिलाया, फिर हम लोगों ने अपना व्रत भी खोला। अगर आप गोपाल जी को झूला झुलाने शुरू किया तो फिर मेरा नंबर आया, फिर मैंने गोपाल जी को झूला झुलाया, मम्मी ने भी झुलाया, पापा ने भी झुलाया। और ये थे आज के जन्माष्टमी के स्पेशल फोटोज जो कि मैंने क्लिक किए थे। अगर आपको मेरा ये जन्माष्टमी वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना एंड शेयर करना। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।